आज की वीडियो में वैसे तो 5 गाय दिखाएंगे ठीक है जी। 15-20 गाय हरदम अवेलेबल रहती है मालूम है जी। हाँ जी। और भाई आज की वीडियो में कितनी गायें ब्याई हुई हैं जी? 4 गायें ब्याई हुई हैं। ठीक है अपने। ठीक है भाई। हाँ जी। और दूध की बात करें तो भाई कितने दूध वाली गायें आज अपने पास? दूध अपने 20 लीटर से लेके हाँ आज 40-45 लीटर की गाय है। ठीक है भाई। हाँ जी। और भाई आज मैं देख रहा हूँ आपके फार्म पर ब्रीड की गायें हैं जी सारी? हाँ, फुल ब्रीड की गाय। ठीक है भाई। दूसरी तरफ आदमी नजर नहीं आ रहा। हाइट की बात करें तो भाई 5.5 फीट से ऊपर होगी जी। 5.5 से प्लस आदमी। और लेंथ की बात करें तो गाड़ी में नहीं आएगी, पिकअप में नहीं आएगी जी? पिकअप में नहीं आएगी। सही बात है भाई। हाँ जी। बोलने को बोल लेते हैं पर ऐसी गाय सबसे कभी कभी मिलती है भाई। हाँ जी। डिटेल बताओ भाई। डिटेल ये फर्स्ट ब्याह में इसने 35-36 लीटर दूध दिया। ठीक है जी। हाँ जी। दांतों में है भाई? हाँ बिल्कुल, 6 दांत है अभी। ठीक है। दूसरे भी आएगी। ठीक है। अभी कम से कम 10-15 दिन बाकी है। 10-15 रोज बाकी चलाना भाई इसको। दोस्तों दूसरे ब्यांत में ब्याने वाली HF गायें हाइट लेंथ की बात करें तो लाजवाब हाइट लेंथ की पहले ब्यांत में ब्याई है जी। हाँ जी। और कितना दूध भाई? 18 किलो खीस है इसकी अभी मौके का। 18 किलो खीस है जी। 25 लीटर आराम से दूध दिएगी। 25 लीटर तक अब की बार निकाल देगी। हाँ। आपके फार्म पर 18 लीटर की मिल्किंग भाई आप करवा दोगे? करवा सकते हैं। ठीक है जी। और भाई नेचर वाइज बिल्कुल शांत स्वभाव की गायें हैं जी? बिल्कुल जी बिल्कुल, दोनों तरफ बैठ के दूध सकते हैं। हाँ चलो चलो, बहुत अच्छा लगा है। ठीक है भाई। मंजीत तैयारी के साथ ब्याई है? ऐसे नहीं है कोई इसका दूध रोक के वीडियो बना रहे हैं। ठीक है भाई। हाँ जी बिल्कुल खाली है खीस। खीस से खाली है जी। हाँ। और भाई जो मिल्किंग होती है ना उस टाइम बिल्कुल खाली की। ठीक है भाई। अब मौके का जो दूध है भाई वो कितना है जी? इसके सुबह 8 किलो निकाला है जी। सुबह 8 किलो निकाला है जी। हाँ जी। और भाई कल ब्याई है? कल ब्याई सुबह। अब की बार भाई कितना दूध निकाल देगी इस ब्यांत में? 27 लीटर दूसरे ब्यांत में दिया, 30 लीटर तक दूध दे देगी। 30 लीटर तक दे देगी जी। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है भाई। नेचर वाइज बिल्कुल शांत? बिल्कुल शांत है जी। ठीक है भाई। हाँ जी। और जो बैठ के दूध सकते हैं, आंचल बहुत अच्छे लगे, आंचल मुठिया आंचल लगे हुए हैं। हाँ जी। हाइट लेंथ की भी बहुत ही शानदार है। सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत करते हैं जी आपका अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़िया फार्मिंग में। दोस्तों आज आपके साथ फिर से एक नई वीडियो। दोस्तों जो आज की अपनी विजिट है जी वो गुदारा डेयरी फार्म, इनके एड्रेस की बात करूं तो गांव साहिब सिंह वाला श्री गंगानगर से करणपुर रोड पर इनका गांव पड़ता है जी। और हमेशा अच्छे अच्छे पशुधन सेल के लिए इनके पास हमेशा मौजूद रहते हैं जी। आज के वीडियो में दोस्तों आपको 5 गायों का ओवरव्यू शेयर कर रहा हूँ जी, जिसमें से 4 गायें ब्याई हुई हैं जी और 1 गाय ज्ञापन है। और दोस्तों आज की वीडियो में 5 गायें टॉप ब्रीड की गायें आपको दिखा रहे हैं जी। 5 गायों की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे कि कितने दूध की गायें हैं जी और क्या मोल भाव इन गायों का कर रहे हैं जी, सारी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं जी। नमस्कार मंजीत भाई। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या हाल है भाई? सब बढ़िया मौजूद। काम धंधा कैसे चल रहा है भाई? बढ़िया। मंजीत भाई सबसे पहले अपने फार्म का एड्रेस मोबाइल नंबर शेयर कीजिए जी। अपना फार्म है जो साहिब सिंह वाला में है जी। ठीक है जी। गंगानगर से करणपुर रोड पे है। ठीक है भाई। गंगानगर से 15 किलोमीटर दूरी पे अपना फार्म बना हुआ है। ठीक है भाई। ऑन द रोड आ गया जी। हाँ जी बिल्कुल ऑन द रोड है। ठीक है भाई। फार्म का नाम है वो गुदारा डेयरी फार्म। ठीक है भाई। हाँ जी। मोबाइल नंबर बता दो जी। मोबाइल नंबर है जी 9649698285। ठीक है भाई। भाई आज की वीडियो में कितनी गायें हैं जी सेल के लिए? आज की वीडियो में वैसे तो 5 गाय दिखाएंगे अपने। ठीक है पास 15-20 गाय हरदम अवेलेबल रहती है मालूम है जी। हाँ जी। और भाई आज की वीडियो में कितनी गायें ब्याई हुई हैं जी? 4 गाय ब्याई हुई हैं। ठीक है अपने। ठीक है भाई। हाँ जी। और दूध की बात करें तो भाई कितने दूध वाली गायें आज अपने पास? दूध अपने 20 लीटर से लेके हाँ आज 40-45 लीटर की गाय है। ठीक है भाई। हाँ जी। और भाई आज मैं देख रहा हूँ आपके फार्म पर ब्रीड की गायें हैं जी सारी? हाँ, फुल ब्रीड की गायें। ठीक है भाई। हाँ जी। और भाई आज के दाम कहाँ से स्टार्ट होंगे जी? दाम आज के स्टार्ट होंगे जी 95,000 से। 95,000 से। और भाई वो पीछे वाला सिस्टम रहेगा 500 किलोमीटर वाला? 500 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट फ्री रहेगा। ठीक है भाई। 95,000 से जो स्टार्टिंग है उसमें 500 किलोमीटर बीच में है जी। हाँ जी। और लास्ट प्राइस क्या रहेगा जी? लास्ट प्राइस रहेगा जी अपना 1.5 लाख तक। 1.5 लाख तक। और दाम दूध 20 लीटर से लेकर 40-45 लीटर तक की गायें हैं जी। ठीक है भाई। जो 45 लीटर वाली बछड़ी है पहले ने 35-36 लीटर दूध दिया हुआ था। ठीक है भाई। दूसरे भी आएगी। ठीक है। अभी 6 दांत है। ठीक है भाई।
जो अपने पास बड़ी बछड़ी है जी 35-36 लीटर दूध पहले ने निकाला हुआ, ठीक है भाई, वो बोलने को तो लोग 55-60 लीटर बोल देंगे इतनी, ठीक है भाई, हाँ जी, पर अपने उसका 45 लीटर ही बोल के देंगे, ठीक है भाई, हाँ जी। और भाई लोकल की गायें हैं सारी? बिल्कुल सभी गायें अपने लोकल की हैं, ठीक है भाई, हाँ जी। और भाई जो गायें ब्याई हुई हैं किसी भाई ने आपके यहाँ पर मिल्किंग करनी हो वो आप करवा दोगे? बिल्कुल, दो टाइम मिल्किंग करके ले सकता है, अपने कोई दिक्कत नहीं। और आपके फार्म पर जितनी भी गायें लगभग होती हैं वो ब्याई हुई होती हैं जी? ज्यादातर अपने पास ब्याई हुई गाय होती है। आज भाई कितनी गायों के पीछे बछड़ियां हैं जी? दो गाय के पीछे बछड़ी, दो गाय के पीछे बछड़ी, नहीं तो लगभग आपके पास बछड़ियों वाली गायें होती हैं? बछड़ी वाली होती है, आज दो के पीछे बछड़े हैं जी, दो के पीछे बछड़े, ठीक है भाई, हाँ जी। तो मंजीत भाई साथ की साथ गायें चला दो और साथ की साथ उनकी डिटेल शेयर कर दो जी। बिल्कुल दोस्तों, पहले नंबर पर आपको HF गायें दिखा रहे हैं ब्याई हुई, पीछे भाई बच्चा फीमेल काफ है, इसके पीछे, इसके पीछे फीमेल काफ है, डिटेल बताइए जी प्रॉपर इसकी। ये दूसरे ब्यांत में ब्याई हुई है जी, ठीक है जी, आज तीसरा दिन ब्याई हुआ, ठीक है भाई, 25 लीटर अभी बिल्कुल रेडी है, 25 लीटर दूध मौके का है जी, तीसरा दिन ब्याई को है जी, ठीक है भाई, पीछे भी ABS ग्रोथ की बच्चे, ठीक है भाई, डिटेल मालूम थी आपको इसकी जो सीमन की आप बता रहे हो, आपको डिटेल मालूम थी उसकी, ठीक है भाई। हाइट लेंथ की बात करें तो दोस्तों फुल हाइट लेंथ की HF गायें आपको दिखा रहे हैं भाई, ब्यांत कौन सा है? ये सेकंड ब्यांत में है जी, मुंह से 6 दांत है, सेकंड ब्यांत में है जी और मुंह से 6 दांत है, हाँ जी, ठीक है भाई। और 25 लीटर दूध मौके का रेडी है? बिल्कुल रेडी है जी, दो पहले ब्यांत कर सकते हैं, ठीक है भाई, पहले ब्यांत का जो दूध है जी वो कितना रहा है? 27-28 लीटर दूध दिया जी पहले ब्यांत, अब की बार भाई कितना दूध निकाल दे? दूध 35 लीटर तो आराम से निकाल देंगे, ठीक है भाई, चलाना भाई इसको थोड़ा सा अच्छे से। दोस्तों दूसरे ब्यांत में ब्याई हुई HF गायें हाइट लेंथ फुल बड़ी गायें हैं जी, दूसरे ब्यांत में ब्याई हुई पीछे फीमेल काफ ABS ब्रूड की बछड़ी है जी और मुँह से 6 दांत है जी भाई, मोल भाव इसका क्या करे हो? खड़ा कर दो भाई, 1,45,000 रुपये इसी बछड़ी की भी आप बात कर रहे थे? नहीं वो दूसरी है, वो दूसरी, वो तो एक ब्याने वाली, ठीक है भाई, 1,45,000 रुपये 500 किलोमीटर तक ट्रांसपोर्टेशन बीच में रहेगा, ठीक है भाई, नेचर वाइज बिल्कुल शांत स्वभाव की, बैठ के दो सकते हैं, ठीक है भाई। और जो आंचल लगे हुए हैं भाई मुठी आंचल, बिल्कुल चवाई तो इतनी जबरदस्त लगी है जी पूछे मत, सही बात है भाई। और मौके का जो खीस है 25 लीटर है, आपके फार्म पर, आपके फार्म पर आप 25 लीटर की मिल्किंग करवा दोगे? बिल्कुल करवा देंगे, ठीक है जी। और जो पीछे बछड़ी है उसकी आपको अच्छे से जानकारी थी कि ये ABS ब्रूड की बछड़ी है? हाँ जी, ABS ब्रूड की बछड़ी, और भाई जेर वगैरह कंप्लीट है इसको, ठीक है भाई, ठीक है भाई, बांध दो भाई। दूसरे ब्यांत में ब्याई हुई टॉप क्लास HF गायें 1,45,000 रुपये इस गाय का मोल भाव रहेगा जी। तो आपको एक और HF गायें भाई पहले चला दो इसको, हाइट लेंथ की बात करें तो लाजवाब हाइट लेंथ, आंचल की बात करें तो अकेला अकेला आंचल, और कॉम्पैक्ट हेडर की HF गायें डिटेल मंजीत भाई से जानते हैं, हाँ जी भाई डिटेल बताइए जी। ये फर्स्ट ब्यांत में ब्याई, पहले ब्यांत में ब्याई हुई है जी, हाँ जी, ठीक है भाई, मुंह से 4 दांत है, अच्छा 4 दांत है जी मुंह से, पीछे भाई बच्चा पीछे इसके डेनमार्क की बछड़ी है जी, डेनमार्क की बछड़ी है जी, ठीक है जी, उसकी भी डिटेल आपको मालूम थी जी? हाँ जी बिल्कुल, और इसकी डिटेल मालूम होगी उसी का बोला, ठीक है भाई। कितने दिन हो गए भाई ब्याई को? ये कल ही ब्याई, कल ब्याई, पहले ब्यांत में ब्याई है जी, हाँ जी। और कितना दूध भाई? 18 किलो खीस है इसकी अभी मौके का, 18 किलो खीस है, 25 लीटर आराम से दूध दिए, 25 लीटर तक अब की बार निकाल देगी, हाँ। आपके फार्म पर 18 लीटर की मिल्किंग भाई आप करवा दोगे? करवा सकते हैं, ठीक है जी। और भाई नेचर वाइज बिल्कुल शांत स्वभाव की गायें हैं जी? बिल्कुल जी बिल्कुल, दोनों तरफ बैठ के दूध सकते हैं, आप चलो चल बहुत अच्छा लगा है, ठीक है भाई। मंजीत भाई जेर वगैरह कंप्लीट है? ग्याबन, ग्याबन खरीदी थी आपने? ग्याबन खरीदी थी अपने घर पे भी आई है, ठीक है जी, जेर बिल्कुल, ठीक है भाई। हाँ जी। दोस्तों पहले ब्यांत में ब्याई हुई 4 दांत HF गायें, पीछे इसके डेनमार्क की बछड़ी है जी, हाँ जी। हाइट लेंथ बहुत ही शानदार और कंपैक्ट हेडर की गायें, केला केला आंचल गाय को लगा हुआ है भाई। अब बात करेंगे मोल भाव की, क्या मोल भाव रखा है जी इसका? ये 1,05,000 रुपये में पहुँच कर दी, 1,05,000 रुपये भाई ने इसकी डिमांड रखी है, और 500 किलोमीटर तक ट्रांसपोर्टेशन इसके बीच में रहेगा, 1,05,000 रुपये, हाँ जी, ठीक है, किलोमीटर हर गाय में ट्रांसपोर्ट अपना रहेगा, ठीक है भाई। और बाकी बछड़ी की जात बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत है जी बछड़ी में,
एचएफ टॉप एचएफ गाय है जी, पीछे बछड़ी है उसकी, इससे भी क्वालिटी ज्यादा है। सही बात है भाई, सामने खड़ी है दोस्तों बछड़ी, बिल्कुल मदर के ऊपर है जी बछड़ी भी, बिल्कुल ठीक है भाई। 1,05,000 रुपये, हाँ जी 1,05,000 रुपये की घर पहुंच करा देंगे। ठीक है भाई बांध दो। दोस्तों आपको एक एचएफ गाय दिखा रहे हैं, ब्याई हुई लग रही है, डिटेल इसकी मंजीत भाई से जानेंगे। हाँ जी भाई डिटेल बताइए जी। ये ब्याई हुई है जी, आज तीसरा दिन है इसका। ब्याई हुई है और तीसरा दिन है जी, और भाई पीछे बच्चा क्या है जी? इसके पीछे मेल का बछड़ा है जी। अच्छा इसके पीछे बछड़ा है जी, ठीक है भाई। और कौन से ब्यात में है भाई? ये सेकंड ब्यात में है जी, सेकंड 6 दांत है। ठीक है भाई, अभी 20 लीटर खीस रेडी है बिल्कुल। ठीक है भाई, मतलब मौके का जो दूध है दोनों टाइम का वो 20 लीटर है जी, बिल्कुल रेडी है जी। दोस्तों कॉम्पैक्ट एडर की गाय, और तैयारी देखिए जी कितनी शानदार इस गाय की, अकेला अकेला आंचल और तो जबरदस्त है, पतली चमड़ी की गाय है भाई। हाँ जी, बिल्कुल। और भाई पीछे इसके मेल काफ है। हाँ जी, इसके मेल काफ मौके का जो दूध है वो 20 लीटर है जी, बिल्कुल रेडी है जी 20। और भाई पहले ब्यांत का मिल्क रिकॉर्ड ध्यान है जी आपको, पहले ब्यांत में इसने 25 लीटर दूध दिया। ठीक है भाई, और भाई अब बात करूंगा मैं दाम की, क्या दाम रखा है जी इस बछड़ी का? 1,05,000 रुपये में घर पहुँच करा। 1,05,000 रुपये में घर पहुँच करवाओगे, 500 किलोमीटर ट्रांसपोर्टेशन बीच में रहेगा, बिल्कुल नेचर वाइज बिल्कुल शांत है। हाँ जी भाई, बैठ के दूध सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। जो अपनी ये जैसे आपने गाय खरीदी है तो जैसे कई भाई मशीन से मिल्किंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती जी? कोई दिक्कत नहीं आती, हाथ से करो चाहे मशीन से, चाहे मशीन से करो चाहे हाथ से करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, एचएफ गाय तो वैसे ही शांत स्वभाव की होती है। हाँ जी भाई, कई बार क्या होता है ना जो मशीन पर नहीं लगी होती उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है। नहीं नहीं भाई कैसी। ठीक है भाई, 1,05,000 रुपये में घर पहुँच का रेट है जी, 20 लीटर मौके का दूध रेडी है भाई। कितने दूध पर चली जाएगी? दूध 28-30 लीटर तक मौके चली जाएगी। ठीक है जी, तो आपको एक और गाय की डिटेल शेयर करेंगे जी, ब्याई हुई है ये भी गाय, डिटेल इसकी मंजीत भाई से जानेंगे। हाँ जी भाई डिटेल बताइए जी। ये कल सुबह ही बच्चे को जन्म दिया है इसने। ठीक है जी। हाँ जी, पीछे इसके मेल का बछड़ा है। इसके पीछे मेल काफ है जी। ये जो दो गाय बाद में दिखाई है उनके पीछे बछड़े हैं जी। हाँ जी भाई, ठीक है भाई, कौन से ब्यात की है जी? ये दूसरे बोल रहे हैं पर तीसरे ब्याई है। ठीक है जी, बोलने में दूसरे में मतलब बोल सकते हैं, लेकिन जो जेनियन है वो तीसरे ब्यात में भी आई है जी। ठीक है भाई, जेर वगैरह कंप्लीट है जी? बिल्कुल कंप्लीट है जी, तैयारी बहुत ही शानदार तैयारी के साथ भी आई है। ऐसे नहीं है कोई इसका दूध रोक के वीडियो बना रहे हैं। ठीक है भाई, हाँ जी बिल्कुल खाली है, खीस से खाली है जी। और भाई जो होती है ना उस टाइम बिल्कुल खाली। ठीक है भाई, मौके का जो दूध है भाई वो कितना है जी? सुबह 8 किलो निकाला है जी। सुबह 8 किलो निकाला है जी। हाँ जी, और भाई कल भी आई है? कल भी आई। अब की बार भाई कितना दूध निकाल देगी इस ब्यांत में? 20-22 लीटर दूसरे ब्यांत में दिया, 30 लीटर तक दूध दे देगी। 30 लीटर तक दे देगी जी। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है भाई, नेचर वाइज बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत है जी। ठीक है भाई। हाँ जी, और जो बैठ के दूध सकते हैं, आंचल बहुत अच्छे लगे, आंचल मुठिया आंचल लगे हुए हैं। हाँ जी, हाइट लेंथ की भी बहुत ही शानदार है, क्वालिटी भी बहुत ज्यादा है। हाँ जी भाई, भाई मोल भाव क्या कर रहे हो इसका? ये 95,000 में पहुंच कर देंगे। 95,000 इस गाय का मोल भाव कर रहे हैं। तीसरे ब्यात में ब्याई हुई गाय है जी, मौके का जो दूध भाई ने एक टाइम निकाला है भाई अभी? सुबह कल शाम को बिल्कुल खाली की थी। ठीक है जी, सुबह 8 किलो दूध निकाला है। सुबह 8 किलो मतलब मौके का 16 लीटर होगा जी। हाँ जी बिल्कुल, 16 लीटर दूध मौके का रेडी है जी, और 16 लीटर की मिल्किंग ये अपने फार्म से करवा देंगे, चाहे आप 2 टाइम 4 टाइम मिल्किंग कर सकते हो। बोलने को तो ऐसे ऑर्डर लगता है भाई, अभी 25 किलो दूध तैयार होगा। हाँ जी भाई, या जितना होगा उतने बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। ठीक है, पीछे मेल काफ है, मोल भाव भाई क्या रखा है इसका? इसकी 95-95 95,000 में घर पहुंच करेंगे। बांध दो भाई। आगे दोस्तों आपको एक एचएफ गाय दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ आदमी नजर नहीं आ रहा। हाइट की बात करें तो भाई 5.5 फीट से ऊपर होगी, 5.5 से प्लस है। और लेंथ की बात करें तो गाड़ी में नहीं आएगी, पिकअप में नहीं आएगी जी। पिकअप में नहीं आएगी, सही बात है भाई। हाँ जी, बोलने को बोल लेते हैं पर ऐसी गाय सबसे कभी कभी मिलती है भाई। हाँ जी, डिटेल बताओ भाई। डिटेल ये फर्स्ट ब्यात में इसने 35-36 लीटर दूध दिया। ठीक है जी। हाँ जी, दांतों में है भाई? हाँ बिल्कुल, 6 दांत है अभी। ठीक है, दूसरे भी आएगी। ठीक है, अभी कम से कम 10 से 15 दिन बाकी है। 10 से 15 रोज बाकी, चलाना भाई इसको।
दोस्तों दूसरे ब्यांत में ब्याने वाली एचएफ गायें हाइट लेंथ की बात करें तो लाजवाब हाइट लेंथ की तैयारी बहुत ही शानदार तैयारी कर रही है ब्याने की। 10 से 15 रोज ब्याने में बाकी हैं। अगर और किसी ने बोल के देनी हो तो 60 लीटर दूध भी इसका बोले तो कम है। इसकी बॉडी वेट से और हाइट लेंथ से तो ऐसा ही लगता है। हाँ जी, पर अपने इसको 45 लीटर दूध तक आराम से चली जाएगी। ठीक है भाई। हाँ जी, 35-36 लीटर दूध पहले ब्यांत में रखा। हाँ जी, पहले ब्यांत में दिया 45। अगर अगले की परवरिश अच्छी होगी तो 50 लीटर दूध भी दे सकती है। ठीक है भाई। हाँ जी, अभी 15 रोज ले जाएगी भाई ब्याने में। अभी 15 दिन बाकी हैं इसके। ठीक है भाई। हाँ जी। आगे भाई सीमन का ध्यान है जी या नॉर्मली बोल के देनी है जी? सीमन अच्छा लगा हुआ है। अच्छा लगा गाय, बड़ी गाय के कोई ठीक है लगा होगा, फुल अच्छा लगा होगा, पर लगा नॉर्मल नो लगा नॉर्मल है जी। हाँ जी, सही बात है भाई, जो बात जेन्युइन है वो हाँ। बात बोलने में ही ऐसे सही है जी। बोल के देते नहीं है इसके सेक्सर लगा हुआ ऐसे लाना, सही वो बात नहीं है अपने पास। दाम भाई क्या कर रहे हो जी इसका? ये 151,000 रुपए की पहुंच कर देंगे। 151,000 रुपए की घर पहुंच करोगे 500 किलोमीटर तक। ठीक है भाई। हाँ जी। और मिल्क रिकॉर्ड रहा है जी पहले ब्यांत का 35-36 लीटर। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। 45 तो आराम से दे देगी भाई। इसकी जो नर्व वगैरह है ना अडर में उससे देख कर यही लगता है। और हाँ। ब्रीड करेक्टर बहुत ज़्यादा है जी इसमें, बहुत ही फुल ब्रीड की गाय है। सही बात है। हाँ जी, 151,000 रुपये। हाँ जी, 151,000 रुपये की घर पहुँच कर देंगे 500 किलोमीटर तक। ठीक है भाई, 15 रोज ब्याने में बाकी बाकी है। ठीक है भाई, बांध दो भाई। दोस्तों 5 गायों की डिटेल आपके साथ शेयर कर चुके हैं जी। आज की वीडियो में 4 गायें ब्याई हुई हैं। दूध की बात करें तो 25 लीटर कम से कम दूध आज की वीडियो में इन्होंने बताया जी, और ज़्यादा से ज़्यादा 45 लीटर दूध तक की गायें इनके पास सेल के लिए मौजूद है। किसी भी भाई ने इन 5 गायों में से किसी भी गाय के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो, नंबर मंजीत भाई का स्क्रीन के ऊपर चल रहा है जी, आप इनसे संपर्क कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो समाप्त करते हैं जी, धन्यवाद।